हेलो दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आचार्य फाइन होम्स में। दोस्तों, आज जो घर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो किसी सपनों के महल से कम नहीं है। बहुत ही शानदार घर आज होने वाला है। साथ ही में दोस्तों, इसको इतने प्यार से डिज़ाइन किया गया है कि चाहे फिर बात हो इसके कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की, बात हो इसके स्पेस मैनेजमेंट की या फिर इंटीरियर डिज़ाइन की, हर तरीके से इसको बहुत ही शानदार बनाया गया है। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए प्रीमियम क्वालिटी की चीज़ों का यहाँ पर यूज़ किया गया है। एक तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल परफेक्ट घर इसको बनाया गया है दोस्तों। दोस्तों, हम आ गए इस विला के फ्रंट पे। आप देख सकते हैं 133 गज में बना है, 20x60 के डायमेंशन में। इसका एलिवेशन आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही ब्यूटीफुल एलिवेशन आपको देखने को मिलेगा। राउंड शेप आप देखेंगे, यहाँ पर एक राउंड शेप बनाया गया है। साथ ही में कुछ वुडन टच आपको इसमें दिया गया है। प्रोजेक्ट के बाहर आप देख सकते हैं जो बम एरिया है, यहाँ पर आप देखेंगे स्टेप्स का आपको यहाँ पर डिजाइन दिया गया है। साथ ही में आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिल जाता है एक गार्डन एरिया, प्लांटेशन यहाँ पे किया है। इसी के साथ में वाटर फाउंटेन भी आपको यहाँ पर मिल रहा है, वाटरफॉल आपको यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो आपके घर का जो एलिवेशन है वो ही इतना ब्यूटीफुल आप देख रहे हैं, तो आप सोचिए कि घर के अंदर कितना खूबसूरत इंटीरियर वर्क यहाँ पर किया गया होगा। विला के बाहर आप देखेंगे दोस्तों, 40 फिट वाइड रोड आपको यहाँ पर मिल जाती है। आसपास का सराउंडिंग आप देखेंगे, काफ़ी फैमिलीज यहाँ पर रह रही है तो सराउंडिंग रेजिडेंशियल रहेगा। साथ ही में दोस्तों, लोकेशन की अगर हम बात करेंगे तो इसकी लोकेशन रहेगी कनक वृंदावन नियर गोकुल वाटिका। आसपास के कनेक्टिविटी की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से मात्र 500 मीटर के डिस्टेंस पर ही SN हॉस्पिटल आपको मिल जाएगा। साथ ही में जयपुर रेलवे स्टेशन और सिंधी कैंप बस स्टैंड यहाँ से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रहेगा। प्रोजेक्ट बहुत ही प्रीमियम रहेगा, लोकेशन एकदम प्राइम रहेगी। साथ ही में ये जो प्रोजेक्ट है JDA अप्रूव्ड ये प्रोजेक्ट है दोस्तों, और वेस्ट फेसिंग रहेगा आपका ये विला। तो चलिए हम जल्दी से हमारे विला के अंदर एंटर करते हैं। तो आप देखेंगे एंट्रेंस पे यहाँ पर आपको मिल जाएगा हैवी आयरन डोर जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वालिटी के साथ में रहेगा। तो जैसे दोस्तों यहाँ से हम एंटर करेंगे तो आ जाएगा स्पेशियस पोर्च एरिया। यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल पास में आपको मिल जाएगा एक गार्डन एरिया, बहुत ही प्यारा आपको यहाँ पे गार्डन एरिया दिया गया है। साथ ही में इस विला में आपको मिल जाती है दो एंट्री, ये हो जाती है आपकी सेपरेट एंट्री, आप देख सकते हैं 3 स्टेप्स के बाद में, और वहाँ पर हो जाएगी आपकी मेन एंट्रेंस। साथ ही में दोस्तों आप देख सकते हैं इस विला में जो सीलिंग हाइट है वो 12 फिट की रहने वाली है। तो ये हो जाता है आपका स्पेशियस पोर्च एरिया जो कि रहेगा 9x15 के डायमेंशन में। पोर्च एरिया में दोस्तों आप देख सकते हैं टाइल वर्क यहाँ पे किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं वाटर टैंक की फैसिलिटी भी आपको दी जा रही है। तो ये हो जाती है दोस्तों हमारी मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस पे आप देखेंगे यहाँ पर आपको वाइड विंडो दी गई है, जहाँ से प्रॉपर आपके लिविंग स्पेस में, ड्राइंग स्पेस में प्रॉपर यहाँ से वेंटिलेशन बना रहेगा। तो ये आ जाती है हमारी एंट्रेंस। एंट्रेंस पे आप देखेंगे जो आपका हैवी डोर रहेगा वुडन का, वुडन हैवी डोर यहाँ पर रहेगा ब्यूटीफुल डिजाइन के साथ में। इसकी हाइट आप देख सकते हैं दोस्तों, 10 फिट की हाइट इसकी रहेगी, और साथ ही में कुछ प्रीमियम हैंडल्स के साथ में रहेगा, प्रीमियम लॉक्स के साथ में रहेगा। बिल्ड क्वालिटी आप देख रहे होंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी के साथ में इस विला को बनाया गया है। तो यहाँ से हम एंटर करेंगे दोस्तों, तो मैं आपको बता देती हूँ उस विला में आपको मिल जाता है सेपरेट ड्राइंग एरिया, लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया, तीनों आपको सेपरेट मिलने वाले हैं। तो पहले हम देख लेते हैं हमारा ड्राइंग स्पेस। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाता है अपना ड्राइंग स्पेस जो कि रहेगा 10x11 के डायमेंशन में, और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर भी आपका एक एंट्री डोर आ जाता है, ये भी 10 फिट का रहेगा, आप देखिए स्ट्रॉन्ग क्वालिटी के साथ में। यहाँ पर आप देखेंगे 7 सीटर सोफा प्लेस किया गया है, बीच में आ जाती है सेंटर टेबल राउंड शेप में आप देख सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर आपको मिल जाती है विंडो, आप देख सकते हैं यहाँ से आप बिल्कुल अपने गार्डन का लुक देख सकते हैं, और जो आपकी मेन एंट्रेंस है वो भी आपको यहाँ से इजीली दिख जाएगी।
बैक वॉल पर आप देखिए यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल वर्क किया है, वुडन वर्क किया है सनमाइका के वर्क के साथ में। और यहाँ बीच में आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग यहाँ पे लगाई गई है। एसी के लिए फिटिंग आपको यहाँ पर दी गई है दोस्तों। साथ ही में फॉल सीलिंग की तरफ हम देखेंगे, डिजाइनर फॉल सीलिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है थीम लाइट के साथ में। यहाँ से आगे चलेंगे लिविंग एरिया की तरफ तो आप देखेंगे यहाँ पर एक प्रीमियम क्वालिटी का वर्क आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ अलग तरीके का यहाँ पर पार्टीशन का डिजाइन दिया गया है आप देख सकते हैं। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दोस्तों कि ये डिजाइन आपको कैसा लगा। यहाँ से हम जैसे ही आगे आएंगे तो ये आ जाता है आपका सेपरेट लिविंग स्पेस, जिसके डायमेंशन की अगर मैं बात करूंगी तो 16x16 के डायमेंशन में रहेगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी आपको 5-सीटर सोफा प्लेस करके दिया है, साथ ही में एक अलग से आपको काउच भी मिल जाएगा। बैक वॉल पर आप देखिए यहाँ पे POP का वर्क किया गया है, स्ट्रिप्स की डिजाइन बनाई गई है, साथ ही में कुछ फ्रेम वर्क भी यहाँ पे किया गया है। बीच में आ जाती है आपकी सेंटर टेबल। फॉल सीलिंग की तरफ हम देखेंगे, डिजाइनर फॉल सीलिंग यहाँ पर आपको मिल जाती है। यहाँ से आगे चलेंगे सामने आ जाएगा LED स्पेस। आप देख सकते हैं स्टेयर्स के नीचे की जो जगह है इसको इस तरीके से यूटिलाइज किया है। यहाँ पर एक तो हमने स्टोरेज दे दिया है और इसी के बिल्कुल पास में बना दिया है LED स्पेस। नीचे आपको स्टोरेज मिल जाता है बहुत ही ब्यूटीफुल, तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल इसको डिजाइन किया है। साथ ही में इस घर में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर हमने एक स्टेयर्स का नया डिजाइन दिया है, वुडन स्टेयर्स भी आपको यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ से हम आगे चलेंगे तो ये आ जाता है हमारा सेपरेट डाइनिंग स्पेस, जो कि रहेगा 13x9 के डायमेंशन में। तो आप देख सकते हैं सेपरेट डाइनिंग स्पेस आपका हो जाता है, बहुत ही ब्यूटीफुल वर्क आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4-सीटर आपकी डाइनिंग टेबल हो जाती है। साइड वॉल पर आप देखें यहाँ पर POP का फ्रेम वर्क किया गया है और एक मेटल मिरर आर्ट वर्क के साथ में इसको डेकोरेट किया गया है। यहाँ पर भी आपको फॉल सीलिंग का वर्क मिल जाएगा। यहाँ पर आपको दोस्तों मिल जाता है एक कॉमन वॉशरूम, यहाँ पर आ जाता है आपका कॉमन वॉशरूम दोस्तों। 6x8 के डायमेंशन में रहेगा आपका कॉमन वॉशरूम, आप देख सकते हैं बहुत ही डिसेंट स्पेस आपको मिल जाता है। वॉल्स पर आप देखिए फुल सीलिंग तक आपको यहाँ पे टाइल वर्क दिया गया है। यहाँ पर एक लुकिंग मिरर आपको मिल जाता है और वॉश बेसिन एरिया मिल जाता है। साथ ही में यहाँ पर आ जाएगी आपकी सीट जो कि वॉल माउंट रहेगी। वेंटिलेशन की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर डक्टिंग वेंटिलेशन किया गया है। साथ ही में दोस्तों आपको यहाँ पर गीजर की फैसिलिटी भी दी जा रही है। तो आप देख सकते हैं छोटी छोटी चीज का ध्यान रखते हुए बनाया गया है। और ये जो आपका वॉशरूम है कॉमन वॉशरूम कम अटैच वॉशरूम भी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक एक्सेस और मिल जाता है जो कि आपके बेडरूम से रहेगा। तो अब चलते हैं दोस्तों हमारे मॉड्यूलर किचन की तरफ। यहाँ पर हमें मिल जाएगा हमारा मॉड्यूलर किचन दोस्तों, 9x12 के डायमेंशन में रहेगा आपका मॉड्यूलर किचन। आप देख सकते हैं काफी स्पेशियस आपका किचन हो जाता है। ये हो जाती है आपका काउंटर टॉप, लैन की चिमनी की आपको यहाँ पे फैसिलिटी मिल रही है, इंडक्शन यहाँ पर दिया गया है। साथ ही में आप देखेंगे दो विंडोज आपको यहाँ पर मिल जाती है प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए, सनलाइट भी यहाँ पर आती रहेगी। नीचे आपको सॉफ्ट क्लोजर के साथ में मिल जाते हैं ड्रॉर्स। यहाँ आप देखेंगे शटर ड्रॉर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, शटर कैबिनेट भी मिल जाता है। यहाँ पर आपको काफी बड़े साइज के कैबिनेट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आ जाता है वेट एरिया। और फिटिंग्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जैक्वार की फिटिंग्स की गई हैं। साथ ही में आप देखेंगे दोस्तों डबल काउंटर टॉप आपको यहाँ पर मिल जाता है और यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है आपके फ्रिज के लिए, पावर प्लग का यहाँ पे आपको प्रोविजन दिया गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं किचन के एंट्रेंस पे हमने हाफ पार्टीशन किया है। आप चाहें तो इसको और डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे कुछ वुडन वर्क कर सकते हैं या फिर CNC कटिंग जाली का वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। किचन के जस्ट पास में मिल जाएगा फर्स्ट बेडरूम। तो ये आ जाता है हमारा फर्स्ट बेडरूम जो कि रहेगा 10x12 के डायमेंशन में। आप देख सकते हैं बहुत ही डिसेंट स्पेस आपको मिल जाता है। साथ ही में बेड के पीछे देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल वर्क किया है, कुशन वर्क किया है और साथ ही में कुछ वुडन वर्क किया गया है सनमाइका वर्क के साथ में। दोनों साइड में आपको मिल जाती है वॉल माउंटेड टेबल। यहाँ पर दोस्तों आपको एक ड्रेसिंग एरिया मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं ये आपको एक ड्रेसिंग एरिया यहाँ पर मिल जाता है। स्टोरेज भी काफी अच्छा आपको यहाँ पर मिल जाएगा।
साथ ही में वेंटिलेशन के पर्पस से आप देखेंगे इस रूम में आपको मिल जाती है स्पेशियस गैलरी। तो हम एक बार गैलरी देख लेते हैं। ये देखिए स्पेशियस गैलरी आपको यहाँ पे मिल रही है। वेंटिलेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे जाली लगाई गई है, तो प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहेगा आपके रूम में, और जो नेचुरल सनलाइट है वो भी आपके रूम में आती रहेगी। फॉल सीलिंग की तरफ एक बार देख लीजिए, डिजाइनर फॉल सीलिंग आपको मिल जाती है, और जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके वॉशरूम के लिए एक एक्सेस आपको यहाँ से भी मिल जाता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट बेडरूम। अभी हम चलेंगे फर्स्ट फ्लोर की तरफ, जहाँ हम देखेंगे दो बड़े साइज के बेडरूम, साथ ही में एक स्टडी रूम भी। तो मैं एक बार आपको इस विला के प्राइस के बारे में बता देती हूँ दोस्तों। ये जो विला है JDA अप्रूव्ड है, और इसका प्राइस रहेगा 1,40,00,000। 1,40,00,000 की प्राइस में एज इट इज ये विला आपको मिलेगा, जैसा कि हम वीडियो में दिखा रहे हैं, प्रीमियम क्वालिटी और प्रीमियम इंटीरियर डिजाइन वर्क के साथ में। तो चलिए हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। एक बार आप यहाँ से देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपको मिल जाती है एक वन रूफ, और साथ ही में आप देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे फैंसी लाइट्स का यूज किया गया है। तो ये आ जाती है हमारी स्टेयर्स, जहाँ पर आप देखेंगे वुडन रेलिंग का यूज किया है, साथ ही में टफन ग्लास का यूज किया है, और जो स्पेस है वो आप देखेंगे काफी अच्छा स्पेस रखा गया है। साइड वॉल पर दोस्तों यहाँ पर आप देखिए 3D वर्क किया है बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन के साथ में, फुल सीलिंग तक ये वर्क रहेगा। तो दोस्तों जैसे ही हम आ जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पर, यहाँ आप देखेंगे आपको मिल जाता है एक स्पेशियस लॉन्ज एरिया, जो कि रहेगा 11x15 के डायमेंशन में, काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 5-सीटर सोफ़ा हमने प्लेस किया है, साथ ही में एक काउच आपको मिल जाता है। इसके बिल्कुल पीछे आप देखेंगे वॉलपेपर का वर्क किया है, साथ ही में कुछ वुडन वर्क किया गया है स्ट्रिप्स की डिज़ाइन के साथ में। यह आ जाती है आपकी सेंटर टेबल। फॉल सीलिंग की तरफ हम देखेंगे, डिजाइनर फॉल सीलिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है थीम लाइट के साथ में। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूंगी, आप देखिए यहाँ पे हमने एक वुडन स्टेयर्स का प्रोविजन भी आपको दिया है, जो काफी कम देखने को मिलता है, बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन के साथ में, वुडन और आयरन दोनों के मिक्सचर के साथ में, एकदम स्ट्रॉन्ग क्वालिटी के साथ में इसको बनाया गया है। तो ये जो स्टेयर्स है आपको लेके जाती है सीधा आपके रूफ एरिया तक, जहां पर दोस्तों आपको मिल जाएगा एक किचन और एक वॉशरूम भी। तो चलिए हम दोस्तों अब देख लेते हैं हमारा स्टडी रूम। यहाँ पर रहेगा आपका स्टडी रूम, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टफन ग्लास का वर्क किया गया है। तो दोस्तों ये आ जाता है हमारा स्टडी रूम, जो कि रहेगा 9x8 के डायमेंशन में। आप देख सकते हैं यहाँ पर टेबल आपको दी गई है, साथ ही में आपको यहाँ पे ड्रॉर्स मिल जाते हैं आपके बुक्स वगैरह रखने के लिए। यहाँ भी आपको एक स्टोरेज दिया गया है, ये काउच हो जाता है, और यहाँ पर एक बेड भी आपको दिया गया है, सिंगल बेड। साइड वॉल आप देख सकते हैं वॉलपेपर का वर्क यहाँ पे किया है, और बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग्स का यूज करके इस वॉल को डेकोरेट किया गया है, और यहाँ पर भी आपको एक फॉल सीलिंग का डिजाइन मिल जाएगा। तो ये हो जाता है ब्यूटीफुल स्टडी रूम। इसी के बिल्कुल पास में हमें मिल जाएगा हमारा सेकेंड बेडरूम। तो ये हो जाता है हमारा सेकेंड बेडरूम दोस्तों, जो कि रहेगा 13x12 के डायमेंशन में। तो वर्क आप देख सकते हैं इसका, इंटीरियर वर्क बहुत ही ब्यूटीफुल किया है, कलर कॉम्बिनेशन आप देखिए, बेड के पीछे एक वुडन वर्क यहाँ पे किया गया है सनमाइका के डिजाइन में, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया यहाँ पे यूज किया है। दोनों साइड में आपको मिल जाती है टेबल, साथ ही में दोस्तों इस रूम में आपको मिल रहा है एक बहुत ही शानदार पूजा स्पेस, सेपरेट पूजा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है आप देखिए। तो ये आ जाता है दोस्तों आपका पूजा स्पेस, आप देख सकते हैं सेपरेट रहेगा, वेंटिलेशन इसमें प्रॉपर बना रहेगा। डोर आप देख सकते हैं प्रीमियम क्वालिटी का डोर यहाँ पे यूज किया है, डिजाइन बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगा। इसी के आगे आ जाएगा LED स्पेस, आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल LED स्पेस आपका हो जाता है। वॉल माउंट रहेगा इसका जो स्टोरेज है। यहाँ से हम जैसे आगे चलेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको मिल जाती है गैलरी, आप देख सकते हैं जहाँ से प्रॉपर वेंटिलेशन आपके रूम में बना रहेगा, और जो नेचुरल सनलाइट है वो आपके रूम में आती रहेगी। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका अटैच वॉशरूम और सेपरेट ड्रेसिंग एरिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे स्लाइडिंग डोर का यूज किया है, डोर आप देखिए काफी हैवी क्वालिटी का रहेगा, प्रीमियम क्वालिटी का डोर यूज किया गया है स्लाइडिंग डोर के साथ में। एंटर करते ही यहाँ पर आ जाता है सेपरेट ड्रेसिंग एरिया, दो वार्डरोब्स यहाँ पर आपको मिल जाती है, फुल सीलिंग तक रहेंगी, और आप देख सकते हैं सनमाइका वर्क के साथ में
प्रीमियम क्वालिटी के साथ में। यहाँ आपको हो जाता है लुकिंग मिरर, इसी के बिल्कुल पास में आ जाएगा अटैच वॉशरूम। तो 6x9 के डायमेंशन में रहेगा आपका वॉशरूम, आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस रहेगा। फुल सीलिंग तक आप देखेंगे यहाँ पे टाइल वर्क आपको मिल जाता है, फ्लोरिंग पे भी टाइल वर्क किया गया है। ये हो जाती है आपकी सीट जो कि वॉल माउंट रहेगी, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंटीरियर वर्क किया गया है। यहाँ पर आ जाता है वॉश बेसन एरिया, ये वॉल माउंट रहेगा। यहाँ पर आपको एक लुकिंग मिरर मिल जाता है, साथ ही में यहाँ पर आ जाता है आपका वेट एरिया। जैक्वार की ब्रांडेड फिटिंग्स यहाँ पे की गई हैं, गीजर की फैसिलिटी भी दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो ये हो जाता है दोस्तों हमारा सेकंड बेडरूम। अभी हम चलते हैं थर्ड बेडरूम की तरफ, जहां पर हमें मिलेगी स्पेशियस बालकनी। तो दोस्तों ये आ जाता है हमारा स्पेशियस बेडरूम, जो कि रहेगा 11x14 के डायमेंशन में, काफी स्पेशियस रहेगा। साथ ही में इसका जो इंटीरियर वर्क है आप देख सकते हैं, एक अलग डिजाइन आपको देखने को मिलेगा बेड के पीछे कुशन वर्क के साथ में। आप देखिए वॉल्स पे एक पीओपी का जो वर्क किया है, इसमें बीच बीच में आपको कुछ प्रोफाइल लाइट्स का यहाँ पे यूज किया है, जो कि आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। नाइट टाइम में और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा ये। दोनों साइड में आपको मिल जाती है टेबल। यहाँ से आगे चलेंगे दोस्तों तो सामने आ जाएगा एलईडी स्पेस, काफी वाइड रहेगा, किसी भी साइज का एलईडी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और नीचे आपको एक स्टोरेज मिल जाता है जो कि वॉल माउंट रहेगा, तो नीचे आपको क्लीनिंग करने में इजी रहेगा। साथ में यहाँ पर भी आप देखेंगे वॉल्स पे जो डिजाइन किया गया है बहुत ही ब्यूटीफुल। फॉल सीलिंग हम देखेंगे, डिजाइनर फॉल सीलिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है दोस्तों। इसी के साथ में दोस्तों इस रूम में आपको मिल जाएगी काफी स्पेशियस बालकनी। तो आप देख सकते हैं, एक बार मैं आपको इसका लुक दिखा देती हूँ, आपके रूम में कितना ब्यूटीफुल आने वाला है। यहाँ से आपको मिल जाएगी स्पेशियस बालकनी जो कि वायर मैश डोर के साथ में रहेगी। साथ में यहाँ आप देखेंगे एक राउंड शेप आपको देखने को मिलेगी, तो बहुत ही ब्यूटीफुल एक रॉयल लुक देती है आपके रूम को। और यहाँ पर आ जाती है आपकी बालकनी, वायर मैश डोर के साथ में रहेगी। ये हो जाती है आपकी बालकनी, आप देखिए फ्लोरिंग पे टाइल वर्क यहाँ पे किया गया है, SS की रेलिंग का यूज किया है, साथ ही में टफन ग्लासेस का यहाँ पे यूज किया है। बहुत ही ब्यूटीफुल वर्क के साथ में वुडन वर्क यहाँ पे किया गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एकदम प्रीमियम क्वालिटी का वर्क यहाँ पे किया है दोस्तों। तो इसी के साथ में दोस्तों ये हो जाता है हमारा खूबसूरत शानदार विला, जो कि है 133 गज में बना हुआ, और इंटीरियर वर्क आपने देखा ही होगा कि कितना शानदार यहाँ पे किया गया है, एकदम प्रीमियम क्वालिटी का वर्क यहाँ पे किया गया है। आई होप कि आपको हमारी वीडियो से काफ़ी आइडियाज़ मिले होंगे। अगर आप भी अपने लिए अपने नया घर बना रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो आप इन आइडियाज़ को उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको इस प्रोजेक्ट का HD फोटोज, फ्लोर प्लान और इसकी जो करंट लोकेशन है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही में दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।